गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है मेरे ब्लॉग में आप लोगों का। तो बच्चे हुए सुबह के 3:30, देखो भाई आँख भी नहीं खुल रही है। अब करीब 3:30 बजे ब्लॉग क्या बंदा है, सही बंदा हो। तो हम जा रहे हैं मैं अभी भी गाँव अपने देवी देवताओं के पास दिया लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने करा है हमको। कहते हैं जो सपना में दिखते हैं देवी देवता जला दीप ज्योति जलाते हुए, तो वो ही दिखाई दिया था मेरे को, वाइफ को, एक आध दिन दो चार दिन बैठ गया अंदर। तो आज हम निकल रहे हैं गाँव के लिए। तो गाँव दूर नहीं है, मुठथल है हमारा गाँव, आना जाना हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो दोनों भैया, ननु भैया और बड़े भैया सो रहे हैं, वाइफ ने साफ झाड़ू पोछे साफ सफाई कर लिए, और भैया नहाने के लिए वॉशरूम है। उसके बाद बुलाएंगे हम, शेविंग करेंगे, कटिंग करेंगे और अपनी पाची निकालेंगे और निकल पड़ेंगे अपने गाँव की तरफ देवी देवताओं के पास। ये हो मेरे देवी देवता, कृपा करना सभी के देवी देवता कृपा करें। आप भी जाए दिया जो बत्ती जलाएँ और घर में सुख शांति रहे, आप उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। तो चलते हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है, नहाते धोते हैं। सो गाइस 4:30 हो चुके, 3:30 के 3 बजे के उठे हुए, नहा धो लिए, फ्रेश हो गए। अब लगाते हैं जोत बत्ती मंदिर के अंदर सुबह सुबह हो रहे 4:30, फिर निकलते आधे घंटे के अंदर अपने गाँव के लिए। कपड़े तैयार हो चुके, सैंडो और ये पहन के आ रहे ट्राउजर, भाई ट्राउजर पहनेंगे मस्त, ट्राउजर पहन के जाए क्योंकि दूर का रास्ता है, बाइक चलानी है तो लूज कपड़े चाहिए, क्योंकि गर्मी होगी इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि 8-9 बजे तक गर्मी बहुत तगड़ी हो जाती है। इस चक्कर में निकलते थे, तो निकलते गाइस और नीचे आ चुके हैं, अपाचे स्टार्ट कर दिए, चलते अपने गाँव की तरफ, थोड़ी देर में मिलते हैं और बीच में दिखाएंगे आपको बढ़िया बड़े रास्ते। वाइफ भी आ चुकी सामने, ये देखो बाईपास, बाईपास आ गया हमारा करनाल बाईपास, जो हमारा सड़क रुक जाएगा हमारी गाँव तरफ, आगे आगे बंद कर दो, बंद कर दो। मनाली का रोड है, देखो भाई देख रहे हो ना, जो मनाली का होगा भाई देखो, ऐसी रोड बनता है, पहुंच गए करनाल बाईपास, फिर अब ये जाएंगे दुर्गा जो हो गए सीधा करनाल बाईपास वाले रोड पर। ये देखो अमृतसर और जलंधर लगा हुआ है, बंद कर लो, अभी चलाते हैं। गाइस निकल चुके अपना गाँव की तरफ, ये देखो मस्त होके जा रहे बाइक पे, मास्क लगा रखा है, ये देखो ये नया फ्लाईओवर बना है, क्या मस्त लग रहा है। इस रोड पे सारे चंडीगढ़ तक सारे फ्लाईओवर बढ़िया बन गए भाई, एक नंबर के फ्लाईओवर। ये देखो ये सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, ये सीधा रास्ता हमारे गाँव की तरफ जा रहा है। ये देखो 44 की स्पीड है अभी, देखो नया रेस्टोरेंट, पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, पूरा गांव शहर बन चुका है भाई साहब, तो टाइम में 2-4 साल में और बढ़िया लगेगा। ये गाड़ी आ रही है, बंदा आ गया, भारी है ट्रक, धीरे धीरे चल रहा भाई, पता नहीं कब पहुंचेगा जहाँ भी जाना होगा। नजारा भाई, वो काहे के पेड़ है, वो झोपड़ी सी बना रखी है, वो बेल है, बेल है। ये देखो भाई कुछ तो ज्यादा ही भीड़ है आज गाँव के अंदर हमारे, ये देखो रोड देखो, बड़ा मस्त मौसम हो रहा है, बहुत अच्छी है, बस शुद्ध हवा एकदम शुद्ध हवा। ये देखो अभी भी इतनी खुश हो रही है कि खेती बहुत पसंद आ रही है भाई, कभी कभार आते ना कई 6 महीने में साल भर में 1-2 बार, बहुत तारीफ करे भाई गाँव की, जैसे पहली बार गाँव आया है भाई। ये देखो जब भी आते हैं ऐसा कई कई टाइम के बाद आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, भंडारा वगैरह भी है। ये बेल बेल देखो,
बेल है, पता नहीं किस पेड़ का क्या नाम है, भिंडी है, भिंडी भिंडी, ये नीचे भिंडी है, देखो आप देख रहे हो, ये क्या है, गेंदे के फूल, गेंदे के फूल देखो भाई, क्या मस्त लग रहा है भाई, पीछे चला गया आंका पेड़, अभी खेती हो रही है, देखो ये देखो छोटा, ये हमारे यहाँ पेट्रोल पंप खुल गया भाई नया, बड़ी खुशी की बात है, गांव के अंदर कभी पेट्रोल पंप देखा आपने, नहीं देखा होगा, हमारे यहाँ पर बच्चों का पेट्रोल पंप, ये हो गया हमारा असली गांव चालू हो चुका है, ये है हमारा ओरिजिनल गांव, वो लास्ट तक दिख रही है, वो हमारी हमारी पेड़ है, वो सामने देखे, वो सामने पेड़ देखे, वो हमारे देवता का है, पहुंच चुके हैं अपने गांव, अब उठाते हैं मांस, क्या मजा आ रहा भाई एकदम, ये देखो यही हमें हमारी अपाची लेकर आई है गांव से, सॉरी दिल्ली से, यहां पर ये देखो सामने खेत हमारे वाले बाजरे देवता के, वहाँ पर ये देखो सामने दिखाई दे रहा होगा हमारे देवता है, वो बाहर जा रही आगे, ये देखो भाई वो सामने देखो वो गांव का, ये हमारे जो ट्रैक्टर चला रहा है वो सामने हमारे गांव का मंदिर जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है भाई साहब, जो मज़ा आ रहा ना गांव के अंदर बस पूछो मत, अलग ही व्यू है भाई, ये देखो ट्रैक्टर चलाते हुए, अब यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, ये काहे का पेड़ है, ये खेती, ये देखो जी ये देखो घिये का पेड़, पूरा घिये का पेड़ है भाई, ये हमारे देवता इस पेड़ के नीचे पूछे मैंने, चलो जी ये मेरी देवी देवता कृपा करो हम पर, ये देखो अब करते पूजा उसके बाद करते चालू ब्लॉग, हम आ गए पहले देवता पे दिया लगाकर, अब आ गए हम बड़े वाले, उसके बाद दूसरे देवता है, और ये है पीर बाबा, इनके भी करते हैं, और बाइक जा रही, वो देखो भाई सामने जा रही बाइक, देवता को दिया लगाने के लिए हमारे वो दूसरे देवता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कौन से बड़े हैं छोटे हैं, बस आशीर्वाद मिलना चाहिए देवी देवता को, आपको भी मालूम है, ये देखो भाई क्या मस्त लग रही, पानी देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, खेत में दबा के पानी गिर रखा भाई, देख लो पीछे ये देखो बाइक चली गई है अंदर, अब चलाते हैं, धूप बत्ती दिया मिलते अभी, अरे भाई तुम लोगों को ब्लॉग में ले रहा हूँ, कहाँ भाग रहा है, अरे आ जाओ तुम लोग भी ब्लॉग में, आ जाओ आ जाओ, ये देखो दूसरा और तीसरा बेचारा शांत होकर बैठ गए, अरे भैया मैं तो थक गया, जब लड्डू डलेंगे इनके देवी देवता पे सिर्फ जब जाके खाऊंगा, जब तक जब मैं आराम से बैठता हूँ देखता हूँ, ये देखो हाँ बेटा मेरी वीडियो बना रहा है तू, बना ले कोई बात नहीं, अभी लड्डू डलने दो तुम्हारे देवता के उधर, हम जरूर आके खाएंगे, ये देखो भाई अभी तो डले नहीं है, चलो मैं थोड़ा सैर कर लेता हूँ फिर खाता हूँ, मैं थोड़ा होकर आ जाऊँ उधर से थोड़ा साइड में, अब कहाँ जा रहा है, ये देखो भाई छोड़ो यार, यहाँ पर भी हमारा ज्योत बत्ती जल चुकी है, पीर है हमारे नौसाद पीर, दया करो सत्ता, और ये देखो खेती बाड़ी सामने ट्रैक्टर, देखो भाई टाली लगा रखी है, लगा रही है लड्डू चढ़ा रही है प्रसाद, ये पाछी हमारी खड़ी है, और देखो क्या मौसम हो रहा भाई, गर्मी नहीं है, ये देखो यहाँ पर देखो कितना प्यारा है नौसाद बाबा का, जय नौसाद बाबा कर पर कृपा करो, तो भाई दिया बत्ती लग चुकी है, मिल चुके हैं चाची वगैरह भाई वगैरह से, अब चलते हैं सीधा दिल्ली घर की तरफ, ये देखो भाई डाकू हसीना, क्या पता ना लग रही डाकू हसीना, अब चलते हैं भाई का पीरे लस्सी आगे पुलिस पर, मज़ा आ रहा है, गर्मी में हालत देखो कैसे हो गई भाई, पहुँच गए बाईपास, तो भाई लोग पहुँच चुके घर, अभी कुछ नहीं कराते बैठे, और लाए साथ में भटूरे, नन्नू भैया ने बोला भटूरे लेते हैं, साथ में प्याज छोले उठ रहे थे, तो बस एक नंबर थी, और छोले देखो भाई।
सुबह उठ चुके हैं सोकर, सुबह के उठे हैं 3 बजे की मियाँ बीवी। तो अभी आए 12:30 बजे, बुटरे उटरे खाए हमने, तो 1:30 बजे फ़ोन देखते थे सो गया। पूरा सर गर्मी के मारे, पूरा सर बॉडी, वाइफ के भी सर में दर्द, बॉडी में बहुत पेन है, ऐसी थकावट हो गई है ना भाई। कई टाइम कैंप के बाद हम लोग, कई टाइम के बाद 3-4 महीने बाद गए थे हम गाँव देवी देवता के दिए लगाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी गाँव में जब तक थे बढ़िया था, गर्मी का पता नहीं चला। जो दिल्ली में आते भाई, जो हेलमेट में पसीने पसीने, हालत ख़राब। वाइफ तो नहा ली, मैं तो नहाया भी नहीं अभी तक। अब जाऊँगा, थोड़ा मुँह दूंगा, फिर बनाते हैं आपके लिए 1-2 रील। बच चुके हैं 5:20 हो गए हैं, बनाएंगे आपके लिए रील। इन्जॉय करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं फ्रेश होना, मुँह धोकर आपके लिए वीडियो बनाने। सो गाइस रेडी हो चुके हैं रील बनाने के लिए, ये देखो। अब बनाते हैं आपके लिए 1-2 रील, प्लीज इन्जॉय करना। रील बना चुके हैं आपके लिए, कई बार तो 1-1.5 घंटा लग जाता है, और कई बार आधे घंटे में रील बन जाती है। सॉन्ग पे, डांस पे आज मैंने रील बनाई, कोई कॉमेडी नहीं करी है, आज सिर्फ डांस करा है। प्लीज़ देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। टेलर का गिफ्ट परफ्यूम, कलर कौन सा है, कलर का क्या करना है, खुशबू। ये दिया भाई ने, क्या जबरदस्त दिया नन्नू भैया की, बड़े भैया की तरफ से। हाँ भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये देखो भाई, ये गिफ्ट मिला मेरे को डेनवर, फादर डे स्पेशल पर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी आशो भैया ने दिया मेरे को डेनवर का गिफ्ट, देखिए। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं वाइफ से कह रहा था, रील देख रहा था, रील में देखा फादर डे, मैंने देखा आज फादर डे है। वाइफ ने कहा हाँ आज फादर डे है। मैं कह रहा, मैं सोच रहा कि बेटा भूल गया, मैंने चलो कोई बात नहीं, भूल गया होगा। अब मुझे क्या पता, मम्मी से फ़ोन किस लिए मांगा है और लेकर आया डेनवर का गिफ्ट। भाई क्या ज़बरदस्त गिफ्ट है, छोले वाली तो एमरजेंसी बनाई है वाइफ ने, मटर पनीर और बटर रोटी। ये देखो भाई क्या मस्त लग रही है, एक नंबर की लग रही है भाई, जब खाएंगे तो बताएंगे। ये देखो कलर से पता लग जाएगा आपको कितना प्यारा खाना बना रखा है। सो गाइस लोग कहीं एंड करते हैं, अब हो रहे हैं 12:45, क्योंकि सुबह को उठे पड़े 3 बजे के भाई, दिन में सो गए थे 1 बजे, लेकिन फिर भी नींद आ रही, इतनी थकावट हो रही है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, मेरे भी सर में पूरा दर्द हो रहा है। अब चलते हैं सोने, ब्लॉग को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।